बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट स्टार, मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इस वक्त आम इंतखाबात 2024 में सिर्फ 3 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन मजमूई तौर पर अगर सियासी सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया जाए, मुल्क के तूलो अर्ज़ में जिस तरीके से शहर भर में जलसेज और रैलीज़ का अहतमाम किया जा रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ नई खबरें सामने आती हैं, कोई किसी के हक में बैठने का दावेदार है और कोई ये कहता है कि ये खबरें तस्दीक शुदा नहीं है, मौजूदा सूरत हाल में वोट खरीदने की कुछ खबरें मंजरे आम पे आ रही हैं और फिर ये कहा जाता है कि कुरान पे हलफ रख के हम जवाब देने को तैयार हैं कि अगर हमने वोट खरीदा हो तो खुदा हमें गारक करे। मौजूदा सूरत हाल के अंदर कौन सा मंजरनामा बन रहा है 8 फरवरी 2024 के बाद अब तक की मकबूलियत को देखते हुए, किसकी हुकूमत बनने वाली है, उसके लिए सेटअप कौन सा तश्कील पाया जाएगा, अब तक के बयानिए जो हैं वो किस हद तक काबिल अमल हैं। मुल्क के तूल और से हमारे नुमाइंदगान ब्यूरो चीफ जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे इसी प्रोग्राम में और हम सूरत हाल जानेंगे कि इस वक्त ज़मीनी हकाइक के मुताबिक किसकी पोजिशन कहाँ पर कितनी मजबूत है। लेकिन उससे पहले मजमूई तौर पर सियासी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं, आम इंतखाबात में चंद दिन बाकी हैं, कौन सा सेटअप नया बन रहा है, क्या कोई नई तब्दीली हो चुकी है जो आवाम की नज़रों से ओझल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका सैयद या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका सैयद या हबीब अल्लाह। यासर, पहली बात तो यह है कि आपने इन इंतखाबात में एक चीज़ तो आपने देखी, बल्कि कल से आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा कि दो बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे पर वोट खरीदने के इल्ज़ाम लगा रही हैं। दोनों बड़ी सियासी जमातों की आज भी दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कल भी दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, रजा रबानी साहब भी यहीं पे मौजूद, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है, पीपल्स पार्टी नून लीग दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं, वोट खरीदने का, पैसा देने का। अच्छा, ये वो इल्ज़ाम है जो किसी एक कोई एक हल्का ऐसा नहीं है जहाँ पर ये वाक़ियात ना होते हो, लेकिन जहाँ की वीडियो सामने आ जाती है, जहाँ पर बड़े नामवर लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं। अब अता तारड़ साहब रात को कुछ लोगों को पकड़ा, वो ले गए थाने, दूसरी तरफ एक वीडियो, मुझे नहीं पता वो सच्ची है झूठी, हम नहीं तस्दीक कर सकते, पैसे रखे हुए हैं, पैसे ले रहे हैं पीछे इनके बैनर, इन्होंने कहा जनाब इन्होंने खुद साख्ता बनाई है, दोनों इतराफ से मुकदमा दर्ज करने की एप्लीकेशनें दे दी गई हैं, दोनों इतराफ से जो है इल्ज़ाम की बौछार हो चुकी है, दोनों इतराफ से एक दूसरे के खिलाफ इंतहाई तनाव पैदा हो चुका है सर। और ये मैं हंस रहा था कि अभी वो एक ऐसी सियासी जमात जिसके पास इंतहाबी निशान नहीं है, जिससे आपने इंतहाबी निशान छीन लिया, जिससे आपने बहुत से लोग छीन लिए, जिस पर आपने बेइंतहा पाबंदियां लगा दी, तो अभी वो नहीं है और आपस में आपका ये आलम है, अगर वो भी सियासी जमात निशान के साथ होती मैदान में तो या सर फिर क्या हाल होता, फिर क्या हाल होता। या सर, मैं आज सुबह ना राना उस्मान साहब मेरे दोस्त हैं, वो मुझसे शर्त लगा रहे थे फला फला लोग जीतेंगे, पिछले ज़िमनी इलेक्शन में मैं उनसे शर्त जीत गया था, तो मैंने आज आप शर्तें भी लगाते हैं? जी, शर्तें इलेक्शन पे दो तीन शर्तें हैं ना, जीतेगा कौन हारेगा कौन, हमारी शर्त क्या होती है, बर्गर खिला दें। अच्छा, ये इससे ज्यादा शर्त हो नहीं सकती, तो इसकी ना वजाहत कर दिया करें। मैं आज ना देखें, मैं वो जो मुस्लिम लीग नून कहती है ना, हमारा किला लाहौर है, हमारा किला शेखुपुरा है, हमारा किला फैसलाबाद है, हमारा किला गुजरांवाला है, हमारा किला शेखुपुरा कसूर, ये सारे होते हैं। आज मैं शेखुपुरे किया और कसूर, ये दो जगह होके मैं प्रोग्राम में आया हूँ। और मजे वाली बात आपको बताऊं, शेखुपुरा के अंदर जवेद लतीफ साहब है ना, उनके बड़े मारूफ लीडर हैं जवेद लतीफ साहब, उस हलके में मैं परेशान हो गया कि वो कहते थे वन साइड नहीं, खुरम शिदाद विरक आजाद उम्मीदवार, तैयब राशिद सिंधु आजाद उम्मीदवार, और उनके मुकाबले में जवेद लतीफ और उनका भाई, और इतना मजेदार मुकाबला है और उसमें एज जो हासिल है ना वो आजाद उम्मीदवार को है, एज जो है वो हुरम शिदाद विरक को हासिल है, एज जो है वो तैयब राशिद सिंधु आगे चल जाए। हुरम मुनव्वर वंश यार, उसकी इतनी बेहतरीन कंपेन, मैं तो देख के परेशान रह गया कि निकले हुए थे, मैंने कहा यार यह तो लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल चेंज है सारा। फिर सरफराज डोगर, ये मैं आजाद उम्मीदवारों की बात कर रहा हूँ, वकास मान आजाद उम्मीदवार, फिर अवैस हुरम विरक आजाद उम्मीदवार, वो आजाद भट्टी आजाद उम्मीदवार। अब मुझे जिससे उसके बाद डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी, मोइनुद्दीन लखवी साहब के साहबजादे, वो बड़े अच्छे जा रहे, मिस्टर शाहिद कमाल जा रहे, और डोगर कमाल जा रहे, राशिद तुफैल, मैं राशिद फीस तुफैल, मैं देख के परेशान हो गया। आप जितनी तफसील बता रहे हैं इसका मतलब तो नून लीग वहां से कोई निशस्त नहीं ले रही, मैं आपको ठीक कह रहा हूँ, कोई निशस्त नहीं निकाले, नहीं मेरे 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 सर्वे के मुताबिक वहां से इनको निशस्तें नहीं मिल रही,
मैं जितनी ये तस्वीर, जितने ये नाम आपको ले रहा हूं, यानी किसी सियासी जमात के सिंबल पे वहां पे नशिस्त नहीं निकलने वाली? नहीं, मुझे नहीं निकल, बहुत कम। मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर 5 नशिस्तें हैं किसी जगह तो एक निकला है तो बड़ी बात है, बड़ी बात मैं कह रहा हूं, बड़ी बात। दूसरी बात यह है कि यहां से लोग परेशानी हो गए। मैंने अब आम आदमी से वहां पूछा, आम आदमी होता है ना, जो जिसके मतलब मैं रेडी बान से, मैं जिसको मुझे तवक्को ही नहीं है कि टीवी देखता है, जिस पे मुझे तवक्को ही नहीं है कि अखबार पढ़ता है, जिस पे मुझे तवक्को ही नहीं है ये किसी और चीज़ की तरफ जाता है, जब मैंने उससे चीज़ें पूछी तो मैं आपको मज़े वाली बात बताऊं, उसने कहा भाई जी कल 4 रुपये इतने पैसे बिजली महंगी हुई है तो हम क्यों इनको वोट दें। मैं ये बात सुन के हैरान रह गया कि यार इस एक रेडी वाले को पता है। मैं फिर एक मजदूर जो वहाँ पर काम कर रहा था उससे पूछा, मैं कहा जी किसको वोट दे रहे हैं? मैं कहा गरीब आदमी है ना, ये जाएगा इकतदार वालों के साथ। मैं क्या, आप वोट किसको दे रहे हैं? पता उसने क्या कहा? उसने कहा जी मेरा जो वोट है ना वो हर सूरत में फला आजाद उम्मीदवार क्या है। मैं क्या, क्यों? कहता जनाब मैं यहां से 800 रुपया कमाता हूं। वो मम्मी डैडी नहीं ना होगा ये, फिर देखो ना वो कहते मम्मी डैडी जो है ना वो हमें वोट नहीं देंगे। ओए अब तो आपका वो भी वोट नहीं देगा जिसके घर बिजली का बिल आता है, जिसके घर गैस का बिल आता है, जिसके घर राशन आता है अपनी तनख्वाह से, अपनी मजदूरी से। दोनों तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी उस दिन ये बात की है, उसने कहा भाई हमारे भी कारकुनान मम्मी डैडी नहीं है। नहीं, मम्मी डैडी कौन सी कास्ट है ये मुझे समझ नहीं आ रही। मम्मी डैडी एक वक्त में ये होता था कि जो घर से निकला, घर को वापस किसी ने कह दिया कि भाई लिफ्ट दे दे, यानी मैं अपने क्लास फेलो में से एक को कह दिया, मैंने कहा यार हॉस्टल छोड़ा, ये स्टूडेंट दौर की बात कर रहा हूँ, तो उसने कहा अब्बू ने कहा हुआ है सीधे घर आना है, हम उसको मम्मी डैडी। देखिए मैं फिर मैं बता दूँ, आप ये पेंसिल आपके पास, आप ये नाम लिख लें और जिस दिन इलेक्शन होगा ना हम करेंगे, लिख लें नाम। इस पर भी रोटी है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा विरक, ठीक ठीक है, पंजाब राशि सिंधु, अवैस उमर विरक, सरफराज टोगर, बड़ी लीड से जीतेगा ये सरफराज टोगर, लिख ले। हुरम मनवर मंच, अब लिख लीजिएगा। वकास मान, अब लिख लीजिएगा, मैं आपको नाम लिखा रहा हूं। डॉक्टर जीमुद्दीन लखवी, बैरिस्टर शाहिद मसूद, ये मैं आपको जो नाम लिखा रहा हूं आपने मुझे बताना है कि ये नाम जहां पे इन दोनों, ये वो शहर, उन शहरों के नाम लिखा रहा हूं। लिखवाया मुझे 8 नाम, नहीं अभी तो और भी नाम थे, लेकिन मैं आज, आप अभी लिख लें ना, अभी 8 नाम ही लिख लें, बाकी लिखूंगा तो आप ये ना हो चाय भी छोड़ दें, प्रॉब्लम ये होती है ना, फिर आप कहेंगे कि ये हो जाए, आपको नहीं पता। चले लिखें, इतवार का दिन, लिखें लिखें लिखें, बनिस्बत दूसरे दिनों के थोड़ा सा खुश रहने वाला दिन होता है जी। आपने इतनी अच्छी कॉफी मुझे दी है तो मैं जनाब आपका मशकूर हूं, तो आप जरा लिख लें। अली अफजल शाही, हाँ, जुनेद अफजल शाही, कल एक वीडियो देख रहा था और वो इतनी मजे की बात जो दूसरों से हटके थी, वो इसी तरीके से कोई ओवरसीज था, उसने खड़े होके ये सवाल किया, उसने कहा जी कि आप हमें हलफ दें यहाँ पे कि आप किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे, तो अली अफजल शाही ने खड़े होके जवाबन ये कहा कि मैं हलफ इस आवाम से लेना चाहता हूँ, इस हल्के की आवाम से। मैं कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि कुरान पे हाथ रख के भी लोग मुकर जाते हैं और हमने पाकिस्तान में ऐसा देखा है, लेकिन इस हलके के आवाम से हलफ चाहिए कि 2018 में एक पार्टी से जो जीता था फिर पार्टी से अलग हो गया, ज़िमनी इंतखाब में भी आपने 50 से 57 हज़ार वोट उसे दे दिया, तो वह ये कहते हैं कि वो जो 57 हज़ार आपने वोट दिया है वो इस ये आवाम हलफ देना कि जो मुनकर हुआ था आपने उसे भी वोट कहते हैं। अली अफजल शाही तो बड़ा कमिटेड आदमी है, बड़े कमिटेड आदमी है, और मैंने देखा है कि उसने, बल्कि मैंने उससे पूछा, मैं कहा शाही साहब अगर आपको किसी और सियासी जमात में जाना पड़े, पता उसने क्या कहा? उसने कहा सियासत छोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा घर चला जाऊंगा, सियासत ही छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपना ईमान नहीं बदलूंगा। अच्छा यही बात मैंने सरफराज डोगर से कही, सरदार सरफराज डोगर से, मैं कहा डोगर साहब MPA की आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, पिछला इलेक्शन आप आजाद लड़के हारे चंद वोटों से, अब तो सख्तियां भी बनी हैं सारा कुछ। उन्होंने कहा राणा साहब बात यह है, खड़े आज़ाद हैं लेकिन सारी दुनिया को पता हम कहाँ खड़े हैं। मैं कहा सुनने में आ रहा है आप लोगों से कोई एफिडेविट ले लिए गए हैं, आपने फला फला से ऐसी जमातों में जाना है, ये मैंने अवैस उमर भी मुसलमान लोगों से उन्हें कि यार बात ये है कि वक्त साबित करेगा, अगर किसी ने सियासी खुदकशी करनी है तो वो चला जाएगा। तो यासर मैंने जो आपका नाम लिखाए हैं ये आप अभी लिख, तो लिख चुका, उसका भी लिख लेना, फजल साहबजादा साहब का ख्वाजा राजा रियाज के मुकाबले में जो हामिद रजा, हाँ जी ये नाम लिखते जाएं, मेरे पास तो बे इंतहा लिस्ट है, हम इसलिए नहीं चले आज के दिन 4, 8
और 11 नाम है आज के दिन तक। बिल्कुल क्योंकि हम अपने नुमाइंदों को भी हमने लेना है। लेकिन एक चीज यार, मैं इलेक्शन कमीशन साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जनाब इलेक्शन में चंद घंटे रह गए हैं, ये जो आज 16 एमपीओ के तहत लोगों को उठाया जा रहा है, एक तो ये सिलसिले का एक्शन लें, और दूसरा जनाब अगर हो सके तो इलेक्शन को थोड़ा सा तवील कर दें, क्योंकि हाँ लंबा ले जाएं और एक महीना दे दें। इतनी सड़कें बन गई हैं रातों रात यार, इतना काम हो गया, खुदा की कसम अपने घर से निकला कल सड़क तो ऐसा की हुई थी, क्योंकि हम लगा ना हमजा शबाज साहब का हल्का है तो वो चलेगी, इतना सड़कें बनी है, चलेगी कितनी देर यार, चलेगी बेशक इलेक्शन के अगले दिन टूट जाए यार, बन गया कच्ची वादियों में पानी खत्म हो जाएगा और लोग गरीब लोगों की बन जाएंगी, वैसे तो ये बनती ही नहीं, एक्शन तो इस पर होना नहीं ना, एक्शन नहीं होना इस पर, इलेक्शनों में कभी बना था, कभी फंड लगा था, इस पर एक्शन तो नहीं होना, लेकिन कर दें। और दूसरा हमें फायदा ये हो जाएगा, मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, खुदा की कसम मैंने अपनी जिंदगी में लोग, मैं हालांकि मैं जिस साइड पे बात करता हूँ वो सबको पता है, मैंने इतनी स्पीड से और इतनी मेहनत से काम करते किसी वजीरे आला को नहीं देखा, जितनी मेहनत से मैंने मोहसिन नकवी साहब को देखा। अब तो उन्होंने सहाफियों के लिए यार कमाल कर दिया, निगरान हुकूमत ने कमाल कर दिया सहाफियों के लिए, ये जो सोसाइटी है और इसमें मजीद भी ये करेंगे। लेकिन मैंने देखा, मैंने पूछा, मैं कहा नकवी साहब आप सोते भी हैं? ये वैसे ये हैरतजदा बात है कि मंतखब वज़राए आला के दौर में वो काम नहीं हुए जो निगरान वज़ीरे आला के दौर में हो गए हैं, और ऐसे काम मैं देख रहा हूँ सोते ही नहीं वो यार, वो सुबह से लेकर शाम तक वो और अमर मीर साहब और उनकी टीम, मैं ये जो इनिशिएटिव है ना, ये थाना तब्दील करने वाला थाना कल्चर, मैंने वो लिबर्टी का थाना देखा सर परसों, वो किसी 3-स्टार होटल से कम नहीं है, इस उम्मीद के साथ कि जिस तरीके से थाना तब्दील हुआ है, थाना कल्चर भी थाना कल्चर भी तब्दील। ब्यूरो चीफ पेशावर 92 न्यूज़ मुमताज बंगेश साहब वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बंगेश साहब बहुत शुक्रिया आपका, लाहौर से हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी हैं ब्यूरो चीफ अहमद नदीम साहब भी हैं, शायद नदीम साहब नदीम साहब की बड़ी गहरी नजर होती है, हाँ जी बड़ी गहरी नजर होती है हर चीज़। लाहौर से अगर नून लीग की कोई खबर निकलवानी है तो मियाँ शायद नदीम साहब से मुसनद खबर कोई नहीं दे सकता। नहीं मियाँ साहब से एक और क्वालिटी है ना, मियाँ साहब जब तजिया देते हैं ना उस तजिए में मियाँ साहब ने कभी आप और मैं शायद डंडी मार जाएं, मियां सब डंडी नहीं मारते। चले अब बढ़ते हैं मुमताज बंगेश साहब की तरफ, पहले बढ़ते हैं मुमताज बंगेश साहब, ये बताइए पेशावर में इस वक्त सूरत हाल किसके लिए मजबूत दिखाई देती है, जमीयत उलमा इस्लाम फे के लिए, एएनपी के लिए, जमात इस्लामी के लिए, पीएमएलएन के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, या आजाद उम्मीदवारों के लिए? शुक्रिया। असल में यासिर यहाँ पे सूरत हाल यह है कि हलकों के लिहाज से अगर पेशावर की बात की जाए तो कोई मिली जुली सी कैफियत है। अगर हम हलका इन्हें 28 की बात करें तो यहाँ पे जो JUI के उम्मीदवार हैं नूर आलम, ये वही नूर आलम हैं जो PTI से कामयाब हुए थे, इससे पहले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, तो अभी इस बार इलेक्शन से पहले वो JUI में शामिल हो चुके हैं और इनका मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार साजिद नवाज से है। तो यूं ये एक दिलचस्प मुकाबला होगा क्योंकि यहाँ पे जो सूरत हाल है वो इसलिए भी दिलचस्प है कि ANP का जो यहाँ पे उम्मीदवार है वो शेख फयाज है, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार है अरबाब खिजर आयात वो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहा है। तो ये मुकाबला जो है ये नूर आलम और साजिद नवाज के दरमियान होगा। अब नूर आलम का जो हलका है ये इनका आबाई हलका है, काफ़ी अरसे से वो यहाँ पे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ तो ये सूरत हाल हो गई। जो इन्हें 29 है उसमें भी अहम मुकाबला है, इसमें जो आज़ाद उम्मीदवार है अरबाब आमिर अयूब और JUI का है इरफानुल्ला, और ANP का साकिब चमकनी है बड़ा मजबूत उम्मीदवार है, पहले रुकने असम्बली भी रह चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में ANP के दौर में, और वो हिदायतुल्लाह चमकनी के बेटे हैं जो कि पिछले अदवार में साबिक स्पीकर थे। तो इस लिहाज से ये मुकाबला हुआ है। और यहाँ ये मैं ये भी बताता चलूँ कि पेशावर में बदकिस्मती से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उम्मीदवार नहीं मिले, तो एक हल्के से दो हल्कों से एक उम्मीदवार को। अच्छा ये तो बताएं मुझे बंगेश साहब, बंगेश साहब ये तो बताएं परवेज हटक साहब का क्या बन रहा है, मुझे उसका बताएं जी, मैंने उनका मुकाबला जानना चाहता हूं। सारा अच्छा परवेज हटक जो है वो एक जीरक सियासतदान है, और उन्होंने जो पिशावर में तो उनकी पार्टी का कोई ज्यादा नामो निशान नहीं है,
लेकिन अगर नौशहरा की बात करें तो वहाँ पे दो कौमी असम्बली की नशस्तें हैं, वहाँ पे एक से वो खुद उम्मीदवार हैं और एक का टिकट जो है वो उन्होंने अपने दामाद डॉक्टर इमरान को दिया है। इसी तरह सूबाई असम्बली की जो नशस्तें हैं उसमें से दो से वो खुद उम्मीदवार हैं, दो से उनके दो बेटे हैं इब्राहिम और इस्माइल, और एक सूबाई असम्बली से उनके दामाद हैं। तो यूँ पूरे जो नौशहरा की सीटें हैं वो उन्होंने अपने ख़ानदान में बांट दिए हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जो उनका अपना हलका है जो कौमी असम्बली का, उससे उसकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है। वहाँ पे जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनका मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली से है, टफ मुकाबला होगा, लेकिन यह है कि उसकी पोजीशन काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। और उनके दामाद का जो हलका है उसमें भी उसकी पोजीशन काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, जबकि हैरानकुन तौर पे जो सूबाई असम्बली की दो नशस्तें हैं वो भी उसकी जीतने के काफ़ी इम्कान मौजूद हैं। तो इस लिहाज से तो उसकी काफ़ी अच्छी पोजीशन है, लेकिन उसकी बदकिस्मती ये है कि उसने जो उम्मीदवार खड़ी किए हैं पूरे सूबे में वो सिर्फ 40% उम्मीदवार हैं। उनकी स्ट्रेटजी कुछ हद तक इसलिए भी कामयाब रही है कि माजी की हुकूमत में जब यहाँ पे शेरपाओ की हुकूमत थी तो बहुत चंद एक मेंबरान पे उसने आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ की हुकूमत कायम की थी, उस वक्त वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे। और अभी भी उनकी स्ट्रेटजी ये है कि जब आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे तो उनको अपने साथ में लाएंगे और यूं वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। वरना जहाँ तक एक स्वात है जहाँ पे महमूद खान है साबिक वज़ीर आला, उनकी पोजीशन भी अच्छी है और उन्होंने जो कैंडिडेट्स खड़ी किए हैं उनमें से अक्सर ऐसे हैं कि वो जीतने वाले हैं। उनमें ऐसे भी हैं कि जो पीटीआई के दौर में वजीर रह चुके हैं, सूबाई वजीर रह चुके हैं, तो वो भी अभी उनकी जानिब से पीटीआईपी की जानिब से उम्मीदवार हैं। ठीक, मैं आपकी तरफ आता हूँ, वापस आता हूँ, मानसहरा की सूरत हाल भी जानेंगे जहाँ से मियाँ नवाज शरीफ साहब उम्मीदवार हैं। बढ़ते हैं मियाँ शाहिद नदीम साहब की तरफ। मियाँ साहब ये बताइए कि लाहौर की सूरत हाल क्या है, लाहौर में किसकी पोजीशन मजबूत है? अमूमी तौर पे हमें जो इतलात आती हैं या तासर मिलता है उसके मुताबिक तो 3 से 4 नशस्तें बमुश्किल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी। क्या आप इसकी तायद करते हैं या तरदीद करते हैं? मैं इस चीज़ से थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूं, जो आपने ये कहा कि बमुश्किल 3 से 4 सीटें जीतेगी, क्योंकि ये आज जब तक मियाँ नवाज शरीफ यहाँ पर नहीं आए थे उस वक्त तक ये सारी सूरत हाल बिल्कुल ऐसे ही थी। और आप तो 3 से 4 नशस्तें कह रहे हैं, मुझे तो उस वक्त जो है वो 1 से 2 नशस्तें भी मुस्लिम लीग नून की लाहौर से भी निकालनी बड़ी मुश्किल नजर आ रही थी। लेकिन जब मियां नवाज शरीफ जब वापस आए तो एक वो नई रूह जो है वो उनके मुस्लिम लीग नून के वर्कर में जैसे फूंक दी गई है, वर्कर चार्ज हो गया है। अब जो है वो सूरत हाल जो है वो बड़ी हद तक जो है वो मुस्लिम लीग नून के हक में जाती हुई नजर आती है मुझे। असल फैसला तो 8 फरवरी को होगा क्योंकि वोटर ने फैसला करना है, हम तो सिर्फ तजिया कर सकते हैं। या चूंकि मैं हर हलके में खुद जाता हूं, फील्ड रिपोर्टिंग भी करता हूं खुद और सारी चीज़ें देखता हूं, सबसे बड़ा जो जैसे सुपर हैवीवेट मुकाबला आप कह लें वो है हलका NA 130 का, जो इस हलके का पहले NA 125 भी रहा, फिर उससे पहले भी ये हलका जो है वो यहाँ पर कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो यहाँ पर पहले भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं और जीतते रहे हैं। जब वो नाअहल हुए थे उस वक्त भी वो यहाँ से ही जो है वो जीते थे और वजीर आजम बने थे। उसके बाद उनकी अहलिया कुलसुम नवाज मरहूमा जो हैं उनको वो ज़िमनी इलेक्शन लड़ी और मरियम नवाज ने उनकी जो है वो कैंपेन चलाई थी और उसके बाद वो जीती थी। फिर वहीद आलम खान यहाँ से जीते, इनके मुकाबले पे जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो कैंडिडेट थी और ये इट वाज अप टू माय एक्सटेंट के डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया, क्योंकि मियां नवाज शरीफ जो है वो आपको पता है कि वो फर्स्ट ईयर के लीडर हैं, वो पार्टी के कायद हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने उनको बड़ा ही सख्त और टफ टाइम दिया था और बहुत ज़्यादा वोट जो है वो सिक्योर किए थे। और इसके साथ साथ जब वहीद आलम खान के अच्छा, आप ये नहीं ये समझ रहे हैं साहब, जिस मियां साहब तो यास्मीन राशिद साहब तो ये बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा टफ मुकाबला होगा। मियां साहब देखें, मैंने मियां साहब की एक क्वालिटी है, मैं कह दूँ ये नहीं कि मियां साहब हमारे लाहौर से हैं, मियाँ साहब की एक बहुत क्वालिटी है, जिस तरह बंगज साहब हैं, ये बिल्कुल खुली बात और बिल्कुल मेरिट पे बात करते हैं। अच्छा मियाँ साहब, इस हलके में तो मुकाबला हो गया, ये जो 127 हलके में क्या फटा पड़ गया है, वोट खरीद कौन रहा है? दोनों पे इल्ज़ाम लग रहे हैं और बड़ा इस तरह लग रहा है जैसे सारा इलेक्शन ही वहीं पे हो रहा है।
अच्छा वो दरअसल जो वोट की खरीदो फरोख्त का मामला है ना, ये आज को 2-3 दिन से ये चीजें और सोशल मीडिया पे फुटेज चल रही थी। रात अतातारण ने जो है वो अच्छा मेरा जाती ख्याल ये है कि बीइंग अ जर्नलिस्ट कि उनको खुद नहीं जाना चाहिए था वहां पे अपने बंदों को लेके, इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करते अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो वो, लेकिन वो खुद चले गए। उसके बाद जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक नून लीग की वीडियो जो है वो जारी की गई, तो कि वहां पर भी जो है वो खरीदो फरोख्त किया जा रहा है। दरअसल वो पड़ा जो है ना जबरदस्त किस्म का वहां पर मुकाबला है, क्योंकि पहली दफा लाहौर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक तवील अरसे के बाद जो पार्टी की क्यादत है वो पीपल्स पार्टी की वो यहां से लड़ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी खुद लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं और जो झियाला है वो इस वक्त पूरी तरह चार्ज है, क्योंकि उनको जो है वो नजर आ रहा है कि हमारी क्यादत यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है। और कभी आपने जो है वो झियाले को इतना चार्ज नहीं होगा। अच्छा, देखा होगा क्या इससे पहले कि मैं बंगी साहब की तरफ वापस जाऊं, मियां साहब ये बताइए, आपने पहले कहा कि नून लीग के वर्कर चार्ज है, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि झियाला बहुत चार्ज है, क्या आपने उम्मीदवारों के अंदर भी इतनी चार्जिंग देखी है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त तो इलेक्शन का जो है वो बिगल बज चुका है, और जब तिबले जंग जो है वो बज जाए तो उसके बाद फिर जो लोग चार्ज नहीं होते वो तो फिर इलेक्शन जीतने से पहले ही हार जाते हैं ना। फैसला तो 8 फरवरी की शाम को आना है, लेकिन इस वक्त चार्ज तो सभी हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बाद एक तवील गैप आया था, और जो है वो झियाला जो है वो घर बैठ गया था, और वो जो एंटायर नून लीग वोट था वो दूसरी जमातों को जा रहा था। अब अगर आपने बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर भी सुनी हो तो वो बाकायदा जो मुस्लिम लीग नून मुखालिफ वोट है उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको वो एड्रेस कर रहे हैं। बंगई साहब की तरफ चलते हैं ना जरा, मियाँ साहब फिर आपको ले रहे हैं दोबारा। बंगई साहब, मानसारे की सीट क्या कैसी देख रहे हैं आप, उस पर किसका किससे मुकाबला देख रहे हैं? अच्छा, मानसहरा में इन्हें 15 का जो हलका है वहाँ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उम्मीदवार हैं। वो मानसहरा का जो इलाका है, बल्कि इवन एबटाबाद के बारे में कहा जा सकता है कि एबटाबाद का जो इलाका है वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक मौजूद है, मानसहरा में भी है। लेकिन ये जो अभी नई हलका बंदी हुई है तो मानसहरा के इन्हें 15 के हलके में पूरा जो तुरगर का ज़िला है, जो दीही इलाका है, उससे शामिल किया गया है, और इसमें मानसहरा की कुछ यूनियन कौंसलें हैं। और ये हलका जो पहले इन्हें 14 कहलाता था, इससे कैप्टन सफदर के भाई पहले कामयाब हो गए थे, डॉक्टर सजाद। अब इस दफ़ा सूरत हाल ये थी कि वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनका यह ख्याल था कि कैप्टन सफदर का इस हलके से मुकाबला करना ज़्यादा आसान नहीं था, तो इसलिए उन्होंने मियां नवाज शरीफ को ये दावा दी कि वो इस हलके से इंतखाब लड़े और वो अब उनसे वहाँ से एक मजबूत उम्मीदवार हैं। उनके मुकाबले में शहजादा गुस्तासफ हैं जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक और शख्सियत हैं जरीन खान, उनका अपना ताल्लुक जो है वो ये तुरगर के इलाके से है, तो वहाँ वो खुद ये जरीन खान कई दफ़ा ये सूबाई असम्बली के मेंबर भी रह चुके हैं, तो काफ़ी उनका असर रसूख मौजूद है। और मुफ्ती किफायतुल्ला, मजे की बात यह है कि जो JUI पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर इत्तेहाद और एडजस्टमेंट की बात कर रही थी, उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुकाबले में मुफ्ती किफायतुल्ला को मुकाबले में उतारा है। चूंकि तुरगर में मजहबी वोट भी मौजूद है तो इसलिए उनके वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो चूंकि उनका अपना वोट भी है। और जी आजाद, आप समझिए ना, मेरा आजाद शहजादा गुस्तासफ है जो अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं, तो मुकाबला उनकी पोजीशन भी काफी अच्छी है, क्योंकि मुकाबला जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहजादा गुस्तासफ, दो अगर दो कंटेंडर्स की बात की जाए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहजादा गुस्तासफ के दरमियान मुकाबला है। लेकिन जो मुफ्ती किफायतुल्ला और जरीन खान है वो अगर खड़े हैं तो उसका नुकसान शहजादा गुस्तासफ को नहीं बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हो सकता है, तो इस लिहाज से मुकाबला इंतहाई दिलचस्प और दिलचस्पी का हामिल होगा, इसलिए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुकाबले में एक आजाद उम्मीदवार हैं। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये सीट जीती भी हैं तो इंतहाई कम मार्जिन होगा, क्योंकि मानसहरा में जो यंगस्टर्स हैं इनका जो वोट है वो काउंट करता है, और जो तुरगर का जिला है यहाँ पे भी चूंकि नई नस्ल का वोट ज्यादा है, और जो अमूमन
40 से बावत हैं वो पोलिंग स्टेशन का रुख नहीं करते, तो इस लिहाज से इसका फायदा शहजादा गुस्तासब को मिलेगा जो कि आजाद उम्मीदवार हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुकाबले में सही। बाकी जो मुफ्ती किफायतुल्ला है मैं आता हूँ। मियां साहब ये बताइएगा कि लाहौर में ख्वाजा साद रफीक की सीट कितनी मजबूत है? देखिए ख्वाजा साद रफीक के मुकाबले पे जो है वो हाफिज तलहा सईद हैं, वो जो है और जे यू आई नूरानी से मोहम्मद तसदक भी मैदान में हैं, उनके मुकाबले पे जो आजाद उम्मीदवार हैं लतीफ खोसा। अब लतीफ खोसा को जो है वो दो एज हासिल हैं क्योंकि वो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे, बड़े गवर्नर पंजाब भी रहे, उसके बाद वो आज बड़े मशहूर वकील हैं, लोग उनको जानते हैं, उनकी लोगों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेल जोल है, वो लोगों से मिलते भी हैं, उनके बेटे भी मिलते जुलते हैं, तो वहाँ पर भी जो है वो मुझे एक टफ मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। अब फिर आपको 2018 का इलेक्शन याद हो तो उसमें भी ख्वाजा साद रफीक पहले जो है वो बानी पीटीआई से हार गए थे, बाद में फिर जब उन्होंने वो नशिस्त छोड़ी तो उसके बाद ख्वाजा साद रफीक जो है उस जिमनी लड़कर उससे जो है वो कौमी असम्बली में पहुंचे थे, उससे पहले वो पंजाब असेंबली में जो है वो अपनी निशे जीते थे और गए थे। तो यहाँ पर जो है वो लतीफ खोसा को इजी लेना जो है वो बहुत बड़ा जो है वो नुकसान होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नोन का। उनको अपनी कंपेन बड़ी भरपूर तरीके से चलानी पड़ेगी क्योंकि हाफिज तलहा सईद भी जो बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ जो आजाद उम्मीदवार हैं लतीफ खोसा वो जो है वो उनको जो है वो काफी ज्यादा वोट जो है वो यानी ख्वाजा साद रफीक को यहाँ से जीतने के लिए काफी जान मारना पड़ेगी और वोटर्स को अपनी तरफ राखिब करना पड़ेगा। बसूरत दीगर जो आजाद उम्मीदवार है वो एक चीज पूछ लें और जरा अगर इजाजत दे मुझे बता ब्रेक का टाइम लाहौर में एक और बड़ी शख्सियत इलेक्शन ला रही है मियां अजहर साहब क्या कहेंगे उस हल्के का? जी जी देखिए मियां अजहर को आप जो है वो छोटा कैंडिडेट नहीं समझ सकते। मियां अजहर साहब जो है वो बड़े सीजन जो है वो कैंडिडेट है और अगर आप थोड़ा सा तारीख में चले जाएं तो ये जिस हलके से जो NA 130 की हम बात कर रहे हैं इससे जो मुलहका इलाका है मियां नवाज शरीफ ने यहाँ से सियासत का आगाज किया था और उनको सियासत पे इंट्रोड्यूस करवाने वाले मियां अजहर थे और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मियां अजहर उनको खुद लेकर डोर टू डोर जाया करते थे। अगर आज मियां नवाज शरीफ जो है वो सियासत में फेमिलियर है और उनका जो है वो इतना नाम है तो उनको ये चीज तारीख के पन्नों में लिखी जा चुकी है कि मियां अजहर जो है उन्होंने इनको इंट्रोड्यूस करवाया था। वो बड़े ही जबरदस्त और बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं और NA 129 से वो लड़ रहे हैं और हाफिज नुमान जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं और वो जो है इससे कबल भी इलेक्शन हार चुके हैं। अब इस दफा जो है वो बड़ा तगड़ा मुकाबला जो है वो एक्सेप्ट जो है इसको देखा जा रहा है, किया जा रहा है क्योंकि उसकी वजह ये है कि मियां अजहर एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद बहुत शुक्रिया मियां शाहिद नदीम साहब और मुमताज बंगे साहब इस हवाले से के लिए। ब्रेक के बाद कराची की सूरत हाल जानेंगे और अंदरून सिंध की सूरत हाल जानेंगे कि वहां पर किसका वोट कितना मजबूत है। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने लाहौर की सूरत हाल जानी है कि यहाँ पे पोजीशन किसकी क्या कितनी मजबूत है और पेशावर की सूरत हाल, फिर मजमूई तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल हमने जानी है, लेकिन अभी दो चार शहर उसके हैं जो अभी डिस्कस करना बाकी हैं। लेकिन प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे सिंध की सूरत हाल के हवाले से, बिलखसूस कराची, उसके मजाफात के शहर और हैदराबाद की सूरत हाल पर बात की जाएगी। कराची से सीनियर रिपोर्टर वकास बाकर हमारे साथ मौजूद हैं। वकास साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और ब्यूरो चीफ हैदराबाद हमीदुररहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया। हमीद साहब आपका भी सबसे पहले वकास साहब आपकी तरफ आता हूं क्योंकि कराची बड़ा शहर है और बड़े शहर के अंदर इस वक्त जो मुकाबले हैं वो भी काफी तगड़े होते दिखाई दे रहे हैं। क्या समझते हैं कि मजमूई तौर पे कराची की जो नशस्तें हैं कौन ज्यादा नशस्तें निकाल पाएगा, पीपल्स पार्टी, PMLN, MKM या आजाद उम्मीदवार?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची में कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशस्तों पर जनरल नशस्तों पर मुकाबला है। अगर बिलुमूम सूरत हाल का जायजा लिया जाए और सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम को देखा जाए तो इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि 2018 के इंतखाबात के बरक्स इस मरतबा वो आज़ाद उम्मीदवार जिनको पीटीआई की हिमायत हासिल रही है न उनकी इंतखाबी सरगर्मियां थी न उनके तंजीमी स्ट्रक्चर मौजूदा हालात से पहले भी उनका कोई इतना मजबूत नहीं था। कराची में चंद एक ऐसे कौमी असेंबली के हलके हैं जहां पर कहा जा सकता है कि पीटीआई का या आजाद उम्मीदवारों का थोड़ा बहुत पब्लिक सेंटिमेंट है, असर रसूख है, लेकिन मजमूई तौर पर जो कराची में 22 कौमी असेंबली की नशस्तों और 47 सूबाई नशस्तों पर मुकाबला है वो मुस्तहदा कौमी मूवमेंट, जमात इस्लामी, चंद एक नशस्तों पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के उम्मीदवार के दरमियान मुकाबला होगा। इसके साथ साथ पीपुल्स पार्टी बिलखसूस मजाफात की नशस्तें, मलीर की नशस्तें, केमाड़ी की नशस्तों पर भरपूर मुकाबला की पोजीशन में है। एक तासुर कराची के हवाले से या मजमूई तौर पर सिंध के हवाले से है कि शायद कोई पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। पीपल्स पार्टी का मसला इस वक्त यह नहीं है कि उन्हें नशस्त लेनी है, बल्कि पीपल्स पार्टी को जिस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है कि उन्हें भारी मैंडेट लेना है। गुज़िश्ता इंतखाबात में सूबाई असेंबली में उनकी रिजर्व सीट मिला के 99 थी, उनके जो टारगेट है कि वो 100, 105, 110 तक सीटें लें, जो कि इस वक्त मुश्किल सूरत हाल है। ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी वकास साहब ये तो बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून जो अब तक अपने आप को वज़ीर आज़म समझ चुकी है, आपने उसका जिक्र ही नहीं किया। क्या कराची में उनकी कोई एक आधी नशिस्त होगी किसी, या सिंध में कोई उनकी दो चार नशिस्त? देखिए मुस्लिम लीग नून कराची में भी और देही सिंध में भी मुस्लिम लीग नून की चंद एक नशस्तों पर बहुत बेहतर पोजीशन है। बिलखसूस में अगर बात करूं NA 243 केमाड़ी की नशस्त जहां पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अख्तर जदून हैं, उनके मद्दे मुकाबले पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल हैं। इस नशस्त पर करीबन 1-1 मुकाबला होगा और मुस्लिम लीग नून का ये देरीना हल्का इंतखाब रहा है और मजबूत वोटर यहां पर 2018 के आम इंतखाबात में भी इस हल्के से मुस्लिम लीग नून को बड़ी तादाद में वोट मिले थे। इसके बरक्स जहां से इंतखाबात में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ NA 242 इंतखाब में हिस्सा लिया था, इस मरतबा मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चूंकि ख्वाजा गुलाम शेख कमजोर पोजीशन पे हैं तो उनकी पोजीशन नहीं होगी। बशीर मेमन मटियारी से कौमी असेंबली के नशस्त पर उम्मीदवार हैं नून लीग के, वो मखदूम जमीलुज़्ज़मा से मुकाबला करेंगे, वहां पर मुकाबला होगा, लेकिन मेरा अपना अंदाजा यह है कि शायद मुस्लिम लीग नून वो सीट इस तरह न जीत सके। लेकिन उसके बरक्स कश्मीर शिकारपुर में एक सूबाई नशस्त है जहां पर सरदार तेगू खान तेगानी नून लीग के कैंडिडेट हैं, वहां पर वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के मद्दे मुकाबले हैं और ज्यादा मजबूत पोजीशन पे हैं। तो मुस्लिम लीग नून कौमी असेंबली की अपने टिकट पर पूरे सिंध से शायद कोई एक या दो नशस्तें जीत सके, सूबाई नशस्तों पर भी 2-3 पर उनकी जो है पोजीशन बहुत ज्यादा मजबूत तौर पे आप सिर्फ 5 हल्के दे रहे हैं। नहीं लेकिन पांच नहीं, वो 3 दे रहे हैं, 2 सूबाई है कौमी। आप तो पहले ही 2 और बढ़ा दें यार। वाह यासर साहब, मैं सिर्फ राणा साहब के जरा इसमें उनके तासुरात देखना चाहता था। मैं आपकी तरफ आता हूँ वकास माकिर साहब, मैं हमीदुर रहमान साहब की तरफ चलूँ। हमीद साहब क्या समझते हैं, इधर हैदराबाद में भी पोजीशन यही वाली है जो वकास माकिर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ है? पर ये देखें हैदराबाद की जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। हैदराबाद में कौमी असम्बली की 3 नशस्तें हैं और सूबाई असम्बली की 6 नशस्तें हैं। हैदराबाद रिवायती तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम है जिनमें एक हैदराबाद का शहरी इलाका है और दूसरा हैदराबाद का देही इलाका है। 2018 के इंतखाबात तक जो सूरत हाल थी वो ये थी कि हैदराबाद का जो देही हलका है कौमी असम्बली का, जो इस वक्त NA 218 है और माजी में NA 225 था, ये पीपल्स पार्टी हमेशा जीतती हुई आई है। यहां से पहले अमीर अली शाह जामोट जीते थे, अब 2018 में उनके साहबजादे तारिक शाह जामोट जीते हैं और इस दफा भी वो उम्मीदवार हैं। तो इस दफा भी NA 218 पर पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजबूत है। NA 218 के नीचे जो 2 सूबाई असेंबली की सीटें हैं PS 60 और PS 61, यहां से पीपल्स पार्टी की 2 कदावर शख्सियात इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं और इस बार भी वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। PS 60 से साबिक सूबाई वजीर जाम खान शोरो उम्मीदवार हैं और PS 61 से शर्जील इनाम मेमन उम्मीदवार हैं। तो इन दोनों सूबाई असेंबली की नशिस्तों पर भी इनकी पोजीशन खासी मजबूत है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो हैदराबाद में ये है कि जो शहरी इलाके हैं वहां पर पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से वो इलाके जो माजी में MQM का गढ़ तस्वर किए जाते थे और MQM वहां से नशिस्तें जीत जाया करती थी,
पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि किसी तरह एमक्यूएम की जो नशिस्तें हैं उसमें से कुछ नशिस्तें हासिल की जाएं, तो उनका ज्यादातर फोकस जो है वो एनए 220 जो हैदराबाद का शहरी हलका है जहां माजी में सलाउद्दीन एमक्यूएम के उम्मीदवार 2018 में कामयाब हुए थे, वहां पर पीपल्स पार्टी की तरफ से वसीम राजपूत उम्मीदवार है, उनकी कोशिश यह है कि यह हल्का किसी तरह वो हासिल कर सके। इसी तरह एक सूबाई असेंबली का हल्का है पीएस 65, उस पर उनकी कोशिश है कि पीएस 65 वो किसी तरह जीत सके, जहां से पहले एमक्यूएम के नासिर कुरैशी कामयाब हुए थे। हमीदुर रहमान साहब ये तो बताइए, वहां पे तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान सिंध के जो सदर हैं वो भी तो हैदराबाद से है ना, उनकी क्या पोजीशन है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो नजर नहीं आ रही हैदराबाद में, उनके अगरचे जो सेक्रेटरी जनरल है गालिबन अली जो ने, जो उनका ताल्लुक हैदराबाद से है, लेकिन वो इस वक्त यहाँ पर कहीं पर भी नजर नहीं आई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। जिस तरह मैंने बताया कि हैदराबाद में जो पोजीशन है वो मुकाबला एमक्यूएम का है, एमक्यूएम अपनी रिवायती सीटें दोबारा से हासिल करने की कोशिश कर रही है और भरपूर तरीके से एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई है, और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो इस इस कोशिश में है कि वो अपनी रिवायती नशिस्तें जीतने के साथ साथ शहरी इलाकों की कुछ नशिस्तें हासिल कर सके, लेकिन ये कि और दूसरा तीसरे नंबर पर जमात इस्लामी है और कुछ आजाद उम्मीदवार भी हैं जो पीटीआई के हिमायती याफ्ता है, लेकिन हैदराबाद में सूरत हाल ये है कि पीटीआई कई ग्रुपों में तकसीम है, एक एक हल्के से दो दो तीन तीन आजाद उम्मीदवार खड़े हैं जो दावा कर रहे हैं कि वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, लेकिन यहां चूंकि ग्रुपबंदी के मामले आते हैं तो इस लिहाज से हैदराबाद में इनकी पोजीशन कमजोर है। ग्रुपबंदी के मामलों की वजह से यहाँ पे पोजीशन उनकी कमजोर दिखाई दे रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम का मुकाबला दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया हमीदुर रहमान साहब और वकास बाकर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फैसलाबाद की सूरत हाल जानेंगे, चार सदा सवाबी की सूरत हाल जानेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिन शहरों की सूरत हाल की आगही हम ले चुके हैं आप सभी को मालूम है, अब कुछ बात की जाएगी फैसलाबाद की सूरत हाल जानते हैं, मुल्तान की सूरत हाल सवाबी इसे भी आगही हासिल करेंगे और चार सदा की सूरत हाल भी जानेंगे। फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ है 92 न्यूज़ के मियाँ शफीक साहब। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सवाबी से मुस्तफ़ा कमाल हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मुस्तफ़ा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरफराज अली अंसारी ये भी हमारे रिपोर्टर हैं मुल्तान से, उन्होंने ज्वाइन किया है। सरफराज साहब आपका भी मशहूर हूँ। सबसे पहले फैसलाबाद की सूरत हाल जानते हैं। मियाँ शफीक साहब ये बताइएगा, फैसलाबाद के तकरीबन 10 कौमी असम्बली के हल्के हैं और 10 हल्कों में कुछ नामवर नाम भी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है या दीगर जमातों से। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद से कितनी नशिस्तें निकालने की सलाहियत रखती है? देखिए यासर साहब, आपने भी पिछले दिनों फैसलाबाद में प्रोग्राम एक किया जिसमें आपने लोगों से बात की, सारी सूचना आपको मालूम हुई होगी। फैसलाबाद की बहुत दिलचस्प सूरतयाल होती रही है, माजी में जितने भी इंतखाबात हुए हैं 1988 से देख के 2018 तक के जितने इंतखाबात थे बड़े कांटेदार मुकाबले हुए, बड़े दिलचस्प मामलात हुए, लेकिन इस दफ़ा ज़रा सूरतयाल मुनफरद सी है। जो ओवरऑल आप देख रहे हैं पूरे मुल्क में पूरे सूबे में वही सीन यहाँ पे है। कह सकते हैं कि वन साइडेड मुकाबला होता रहा है माजी में, लेकिन इस दफा कोई सूरतयाल और है। सियासी जमातों की बात करें तो पीपल्स पार्टी तो यहाँ से कह सकते हैं कि बड़ी ही मुश्किल से उन्होंने अपने बंदे ढूंढ डांट के हलकों में अपने उम्मीदवार पूरे किए। वोटर्स की तो बाद हम बात नहीं करें, पहले तो उनके उम्मीदवारों की बात करें तो उनके लिए उनको बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी। बहरहाल जैसे तैसे उन्होंने अपने हल्के पूरे कर दिए उम्मीदवार, ताकि ये बात ना सामने आए कि पीपल्स पार्टी को तो उम्मीदवार ही ना मिले। रही बात नून लीग की, तो नून लीग के पास पहले होता था कि एक हलके में 10-10 12-12 उम्मीदवार होते थे, बहुत सख्त मुकाबला होता था टिकट के लिए, लेकिन इस दफा वो सीन नहीं नजर आया। चूंकि उम्मीदवारों को शायद कोई अंदाजा था कि जो मामलात होंगे, जो जिस तरह के हालात हैं उसके मुताबिक फिर वो अपना उन्होंने जेन बनाया इलेक्शन लड़ने के लिए। यहाँ तक कि राजा रियाज का नाम सुना, पिछले कई महीनों से बात चल रही थी राजा रियाज के इंतखाब के हवाले से, लेकिन ऐन मौके पे आके राजा साहब भी हाथ खड़े कर गए। उन्होंने कहा जी कि मैं तो बीमार हूँ, इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हालांकि
उसी बीमारी के साथ आप वो अपने बेटे की कंपेन चला रहे हैं, तो वो ना जाने कि वो कौन सी बीमारी है जिसके लिए वो अपनी कंपेन तो ना चला पाए, बेटे की चला रहे हैं। तो बाकी एक दो हल्के मियां साहब ना करें, मियां साहब ना करें, बड़े करीबी ताल्लुक है उनके राणा साहब से। हाँ जी बिल्कुल राणा सनाउल्लाह साहब से, राणा सनाउल्लाह साहब से। और शहर की जो फैसलाबाद की देखें, 10 में से 4 सीटें हैं जो शहर की हैं, घंटा घर के अतराफ की हैं, जिनमें आपर शेर अली का हल्का है, मियां मन्नान का हल्का है, हाजी अकरम अंसारी का हल्का है और एक राजा रियाज वाला हल्का है। इन चारों में पहले तो बड़े टफ मुकाबले होते रहे हैं, लेकिन अब कह सकते हैं कि नून लीग वाले तो खूब भागदौड़ में लगे हुए नजर आ रहे हैं। जो वोटर्स हैं, जो वोट जिन्होंने डालने हैं, वो उनकी बात करें तो वो उम्मीदवार तो नजर नहीं आ रहे, वोटर खूब नजर आ रहे हैं। माजी में हमने देखा कि उम्मीदवार वोटरों से अब मैं समझ गया जी, हम आप जिस समय इशारा कर रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार वहां से ज्यादा जीतेंगे, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? राणा साहब बिल्कुल ऐसे ही है। पहले तो मैं जैसे बता रहा हूँ कि माजी में तो हम देखते होते थे कि उम्मीदवार वोटरों से हलफ लेते होते थे कि मुझे आपने वोट देना है, इस दफा वोटर उम्मीदवारों से हलफ ले रहे हैं कि भाई हम आपको वोट दे रहे हैं तो आपने कहीं जाना नहीं है इधर उधर। ये अच्छी बात है, वैसे ये अच्छी बात है, ये पाकिस्तान में एक अच्छी रवायत है। ये हमने एक दो आपको फुटेजेस सोशल मीडिया पे नजर भी आई होंगी, देखी भी होंगी, नजर से गुजरी होंगी, ये वाकई ऐसे हुआ है, हो रहा है। तो अभी राणा सनाउल्लाह का हल्का है, ये शहर के बिल्कुल साथ ही है, मुजाफाती इलाके हैं, देहाती एरिया है ज्यादातर, उस पर मुश्तमिल है, वहां पे काफी कांटेदार मुकाबला होगा। निसार अहमद जाट हैं जिनको पहले पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन जब जमात ना रही तो वो कहां मजमुई तौर पे सूरत हाल जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ठीक नहीं लग रही। राणा साहब मुल्तान की सूरत हाल जान लेना। जी जी बिल्कुल, मुल्तान की। सरफराज अली अंसारी हमारे साथ मौजूद है, पूछिए उनसे। जी जी अंसारी साहब, मुल्तान की क्या सूरत हाल है? सुना बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं वहाँ पे तो। जी जी बिल्कुल, मुल्तान की सूरत हाल जो है खासी दिलचस्प है। इस वक्त मुल्तान के 6 कौमी हलके हैं जिसके अंदर बड़े अहम अहम हलके हैं और ऐसे सियासतदान जो है इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं जो जीतने के बाद जो है कलीदी उहदों पर रह चुके हैं माजी के अंदर, लेकिन मुल्तान के मसाइल जूं के तू रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ये 148 से शुरू होते हैं मुल्तान के कौमी हलके, 153 तक जाते हैं। अगर बात 148 की जाए तो वहाँ बड़े नाम हैं जैसे साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वह 148 के उम्मीदवार हैं और उनके मुकाबले में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है, मलिक अहमद हुसैन डियड हैं। मलिक अहमद हुसैन डियड को सब लोग ही जानते हैं, ये 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर MNA बने थे, बाद में PTI को छोड़कर बाज नागुजीर वजूहात की बिना पर इन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की और मुस्लिम लीग नून के टिकट पर जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी का मुकाबला करने के लिए 148 में मौजूद हैं। सही। इसके अलावा जो है इसके अंदर आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर मलिक हैं, वो भी अच्छा खासा अपना असर और सूख इलाके के अंदर रखते हैं और इन तीनों के दरमियान जो है मुकाबला सख्त लगता है। एक बड़ा ग्रुप था बोसन ग्रुप जो है, साबिक वफाकी वजीर थे सिकंदर हयात बोसन, उन्होंने भी यहाँ से कागजात जमा करवाए थे, लेकिन बाद में डियर और बोसन ग्रुप जो है उन दोनों का आपस में पैचअप हो गया। सही। और नून लीग ने जो है सिकंदर हयात बोसन के छोटे भाई शौकत हयात बोसन जो है उनको MP का टिकट देकर अहमद हुसैन डियर के नीचे लड़वा दिया है। तो इस वजह से जो 48 का थोड़ा ना सूरत हाल दिलचस्प हो गई है। ठीक आपने मजमूई तौर पर सूरत हाल बता दी साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। सवाबी से मुस्तफ़ा कमाल हमारे साथ मौजूद है। मुस्तफ़ा कमाल ये बताइएगा कि सवाबी की इस वक्त सूरत हाल क्या है, PMLN की पोजीशन कितनी अच्छी है, JUIFA की कितनी अच्छी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन या आज़ाद उम्मीदवार? इस वक्त सवाबी की सूरत हाल भी दिलचस्प है। एक पार्टी की इस वक्त अक्सरियत जो है वो नजर नहीं आ रही है। मुख्तलिफ अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून की तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त PK 2 ऐसे सीट से PK 49 और PK 51 एक यहाँ पर कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। मुस्लिम लीग नून और जो आजाद उम्मीदवार है और जमीयत उलमा इस्लाम के जो उम्मीदवार है इसके दरमियान, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम इन्हें 19 की बात की जाए तो इस वक्त इन्हें 19 पर जो
जमीयत उलमा इस्लाम का मौलाना फजल अली हक्कानी और साथ जो सबका स्पीकर थे सत्केसर और इस वक्त जो आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं उसके दरमियान कंठेदार मुकाबला जो है ये देखने को मिलेगा। और इस दूसरी तरफ पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन जो है इस तरह कुछ नजर नहीं आ रहे हैं कि उसके दो कैंडिडेट्स हैं लेकिन उसकी जीतने के चांसेस जो है वो सिफर से भी कम नजर आ रहे हैं। इस तरह पीपल पार्टी वो भी जीरो इस वक्त इसकी पोजीशन इस तरह है। अवामी नेशनल पार्टी की बात कीजिए तो अवामी नेशनल पार्टी इस वक्त तीन जो कि है सूबाई सीट्स है 50 PK 50 PK 52 PK 53 ये तीनों शीर्ष है ये एनपी के बिल्कुल निक टू निक जो इस तरह बिल्कुल 50-50 तकरीबन मुकाबले देखने को मिलेंगे 52 पर जो इस वक्त और इन्हें 20 की बात की जाए तो इन्हें 20 पर भी अवामी नेशनल पार्टी के वारसान इस वक्त उसकी पोजीशन जो है आजाद। मुस्तफा अकमल साहब आपने बड़ी जामिया हल्के की स्वाबी की बता दी, जरा जाहिदुल्लाह साहब भी हमारे साथ हैं, नुमाइंदा है हमारे चार सदा से। जाहिद साहब चारसद्दा की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, चारसद्दा में भी जो चारसद्दा बेसिकली दो सियासी जमातों अवामी नेशनल पार्टी और ये कामी वतन पार्टी अफ्ताह शेख फौज जिसको लीड कर रहे हैं उसका जो आबाई हल्का है वो इन्हें 24 चारसद्दा वन है। तो अफ्ताह अहमद खान शेख फौज जो है वो अभी मुकाबले में है इन्हें 24 चारसद्दा वन से। उसके जो मद मुकाबले है वो 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्ट हुए थे, रुकने कौमी असम्बली बन गए थे, अनवर ताज नाम है उनका और अभी भी वो सख्त मुकाबले में है आजाद हैसियत से। अनवर ताज जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं अफ्ताह अहमद खान शेख फौज के मद मुकाबले। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि चारसद्दा पूरे जिले में JUIF का जो है वो खासा वोट है और वो मुकाबले में मौजूद है तमाम सूबाई हलकों पर भी और कौमी हलकों पर भी JUIF भी वो मुकाबले में मौजूद है। अगर टॉप थ्री के इन्हें 24 पर बात की जाए तो अफ्ताह अहमद खान शेरपा जो है वो कामी वतन पार्टी के चेयरमैन भी है और यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार अनवरताज जो सबका एमएनए भी है वो भी मुकाबले में है और गौहर अली जो है वो JUIF की तरफ से मुकाबले में है। इस तरह अगर इन्हें 25 की बात की जाए इन्हें 25 चारसद्दा टू से तो ये अवामी नेशनल पार्टी का जो है ये गढ़ है और जो एमल वली खान है सूबाई सदर है अवामी नेशनल पार्टी के वो यहाँ से मजबूत उम्मीदवार है। उनके मद मुकाबल वही आजाद उम्मीदवार और पिछली दफा जो तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतब हुए थे फजल मोहम्मद खान तो वो मुकाबले में है। मौलाना गौहर शाह जो पिछले दो दफा वो कौमी असम्बली के मेंबर बन चुके हैं अवामी नेशनल पार्टी के साथ अक्सर उनका मुकाबला रहता है तो वो भी मुकाबले में है। इसी तरह तीन उम्मीदवार जो टॉप थ्री में है वो एमल वली खान फजल मोहम्मद खान आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं और मौलाना गौहर शाह जो JUIF की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक, मजमूई तौर पे सूरत हाल जो है वो भी किसी एक पार्टी के हक में वहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। ये सूरत हाल किसी एक सूबे में नहीं, किसी एक शहर में नहीं, कुली तौर पे देखने को मिल रही है। दावे बहुत किए जाते हैं लेकिन उसके बरक्स हकायक कुछ और हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, जाहिदुल्लाह साहब और सरफराज अली अंसारी साहब यहाँ शफीबाद से थे, आपका बहुत शुक्रिया इस हवाले से आगाही देने के लिए। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त इस उम्मीद और पैगाम के साथ कि 8 फरवरी को वोट जो है अपने ज़मीर की आवाज़ पर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के पास।